आप सभी उज्जैन शहर को तो बहुत अच्छे से जानते हो। उज्जैन शहर में ही एक राजा रहा करता था जिसका नाम था विक्रम आदित्य, जो बहुत ही बलवान और बहुत ही बुद्धिमान थे। उनके बारे में दूर दूर के राज्य के लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे, यहाँ तक कि उनके राज्य के बारे में राज्य के बाहर के राजा भी बहुत अच्छे से जाना करते थे। एक बार की बात है जब विक्रमादित्य के राज्य में एक भिक्षु आता है जो पूरे सफेद वस्त्र में बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ और हसमुख चेहरे को लेके उनके सामने पहुंचते हैं और पहुंच के विक्रमादित्य से कहते हैं, महाराज मैं यहाँ पे भिक्षा लेने आया हूँ। तो इसमें विक्रम कहता है, अच्छा तुम्हें भीख में क्या चाहिए? तो इसमें वह भिक्षु कुछ नहीं बोलता, बस अपने जेब से एक सेब निकाल के उनके हाथ में देता है और देके वहाँ से चले जाता है। राजा सोच में पड़ जाता है, आखिर इसने कुछ बोला क्यों नहीं, एक सेब दिया और देके यहाँ से चला गया। तो राजा उस सेब को कोषाध्यक्ष के हाथ में देता है और कहता है कि इसे संभाल के कहीं पे रख दो। तो वो दिन तो बीत जाता है। अगले दिन वह भिक्षु दोबारा महल में आता है और राजा उसको देख के झपट से कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुमने तो कल मुझे बताया ही नहीं। तो इस पे भिक्षु कुछ नहीं बोलता, अपने जेब से एक सेब निकाल के उसके हाथ में थमा के चले जाता है। राजा को फिर समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या। तो फिर वो सेब को वो कोषाध्यक्ष के हाथ में दे देता है, जिसे कोषाध्यक्ष अपने साथ लेके चले जाता है और ये सिलसिला लगातार चलते जाता है। वह भिक्षु रोज आता है, एक सेब राजा के हाथ में थमाता है और वहाँ से चले जाता है और देखते ही देखते ये सिलसिला सालों चलने लगा और धीरे धीरे ऐसे ही 10 साल बीत गए। अब ये रोज की बात हो गई और 10 साल बाद एक दिन वह भिक्षु दोबारा सेब को लेके उसके सामने आता है। तभी वहाँ पे एक बंदर भी आता है, तो राजा उस सेब को लेके उस बंदर के हाथ में दे देता है और तब तक भिक्षु वहाँ से चले जाता है। जब बंदर उस सेब को खाने लगता है तो देखता है कि उसके अंदर हीरे का कुछ है। जब विक्रमादित्य उस चीज को देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो कोषाध्यक्ष से कहता है कि मैं पिछले 10 साल से तुम्हें सेब दे रहा हूँ, आखिर तुम उसका कर क्या रहे हो? तो इसमें वह कोषाध्यक्ष कहता है, महाराज वो सारे सेब मैंने संभाल के रखे हैं, आप आके देख सकते हो। तभी विक्रम दौड़ते हुए उनके साथ जाता है और जाके देखता है कि वहाँ पे सारे सेब सड़ चुके हैं और सेब के जगह पे हीरो का भंडार लग चुका है। ये सोच के विक्रम चकरा जाते हैं कि आखिर बात क्या है। तो वह सुबह से लेके रात तक प्रतीक्षा करते हैं कि कब रात हो और अगले दिन दोबारा वो भिक्षु आए, लेकिन दूसरे दिन वो भिक्षु महल में आते ही नहीं है, जिससे विक्रम भयभीत हो जाता है कि आखिर बात क्या है। तो वो अपने सेना को लेके उस भिक्षु को ढूंढने निकलता है। तभी वो ढूंढते ढूंढते एक कब्रिस्तान में पहुंचता है जहाँ पे वो भिक्षु बैठ के भगवान का नाम जपते रहता है। तभी जाके विक्रम उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, महाराज आप रोज मेरे महल में आते हो लेकिन आज आप महल में नहीं आए। तो इसमें वो भिक्षु कहता है, क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले मैंने कहा था कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन कुछ चाहिए उसके बदले 10 साल तक मैंने तुम्हें दिया है और आज ये समय आ चुका है जब तुम मुझे किए गए वादे का बोध रख के मेरा वो काम करोगे। तो इस पे विक्रम कहता है, महाराज मैंने वचन दिया है, आप अगर बोलोगे तो मैं अपना जीवन भी आपको देने को तैयार हूँ। तो इसमें वो भिक्षु कहता है कि तुम मेरा एक काम करना कि रात को ये कब्रिस्तान में तुम्हें अकेले आना है, जहाँ में एक मृत व्यक्ति मिलेगा जिसको लेके उस नदी के पास पहुंचना है, जहाँ पे मैं बैठ के भगवान की आराधना करूंगा। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारा किया गया वादा पूरा हो जाएगा। तो वादे के अनुसार विक्रम वही करता है। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तान में पहुंचता है और पहुंच के देखता है कि वहाँ पे कोई भी मृत व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक जीवित व्यक्ति पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है। तो इस पे विक्रम सोचता है, अरे ये व्यक्ति तो जीवित है। ये सोच के वो पेड़ को तोड़ने लगता है कि इसी व्यक्ति को उनके पास लेके जाएंगे और जैसे ही पेड़ की शाखा टूटती है तो वह इंसान नीचे धराम से गिरता है और गिरते ही वह व्यक्ति हंसने लगता है। तो इसमें विक्रम सोचता है कि आखिर बात क्या है, और यह सोचते सोचते वह देखता है कि वह मृत व्यक्ति अचानक हवा में उड़ने लगा और पेड़ में जाके दोबारा बैठ गया। बस इतना ही हुआ उतने में विक्रम समझ गए कि ये कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये तो एक भूत है, लेकिन मैंने महाराज को वचन दिया था कि इसको मैं उनके सामने लेके आऊंगा। तो वो दोबारा उस भूत को पकड़ते हैं, पकड़ के अपने कंधे पे लेटाते हैं। तभी वो भूत विक्रम से कहता है, अरे विक्रम तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तब विक्रम कहता है कि मुझे तुम्हें उस भिक्षु व्यक्ति के पास लेके जाना है, मैंने वचन दिया है। तो इस पे वह भूत कहता है, मेरा नाम वेताल है और चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन कहानी के बीच में अगर तुमने कुछ कहा तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। तो यह कह के वो हंसने लगता है। तो यही से कहानी चालू होती है विक्रम और बेताल की। आगे आने वाली जितनी भी कहानियां होगी वो विक्रम बेताल के ऊपर होगी। तो मैं आशा करता हूँ वो सारी कहानियां आपको पसंद आएगी। तो मिलेंगे अगली कहानी में।